हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का। मैं राकेश यादव आप सभी लोग के लिए सबसे बड़ी अपडेट लेके आ चुका हूँ। ऑल इंडिया डिफेंस की जॉब की अपडेट हम लेके आ चुके हैं। कौन सी भर्ती कब होने वाली है ये भी आपको बताएंगे, और सभी साइटों पे चल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जितनी भी जारी हो रही है वो भी बताएंगे। तो इस वीडियो में आज आप लोग को क्लियरली मैं बता दूं कि क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं डिफेंस की सबसे मेन जो लाइन है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी, पुलिस और ईटीसी, सभी के बारे में बताऊंगा। लेकिन जो मेन डिफेंस की लाइन है उसके बारे में बताने वाला हूं कि डिफेंस में मेन भर्ती लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए कब होने वाली है 2021 में। साथ ही साथ आप अगर 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, बीटेक पास, डिप्लोमा पास, ईटीसी आपके पास कोई डिग्री है तो उसके लिए कौन सी पोस्ट बेटर रहती है डिफेंस लाइन में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह आपको बताने वाला हूं कि अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, लिखा होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी, उसके नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब रेड कलर से, फटाक से उस पर क्लिक कर दीजिए। चैनल पे सारी अपडेट डिफेंस की यानी आपको अलर्ट मिलती रहती है, ठीक है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप करके चलते हैं साइटों पे और आप लोग को बताते हैं। इस समय जो पहली साइट है बीएसएफ की साइट है, ठीक है, बीएसएफ की साइट पे हम यहां पे हैं। उसके बाद हम चलेंगे पुलिस की साइट पे, उसके बाद चलेंगे डिफेंस की जितनी भी जॉब आती है उस पर, फिर चलेंगे इंडियन आर्मी की साइट पे, फिर एयरफोर्स की साइट पे, फिर नेवी की साइट पे, और सारी जॉब की अपडेट आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, और साथ में ये भी बताएंगे कि किस भर्ती की जानकारी किस साइट पे ऑफिशियली मिलती है। अक्सर लड़के या लड़कियां इधर उधर गलत साइट पे जाके नोटिफिकेशन देखते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये भर्ती सही है, लेकिन वहां कोई भर्ती नहीं होती है, वो कभी कभी कोई फेक भी बना के अपलोड कर देता है, ठीक है, वेबसाइट को चलाने के लिए, ठीक है। तो मैं इस समय जो इंडियन आर्मी की साइट पे जितनी भी वैकेंसी आती है उसका नाम होता है joinindianarmy.nic.in, ठीक है, इस साइट को याद रखिएगा। इस पे इंडियन आर्मी की सारी भर्तियां आती हैं ऑफिसर रैंक पे, जेसीओ रैंक पे, ठीक है। इस समय जेसीओ रैंक पे आई हैं, राजस्थान अलवर की तो डेट जाने वाली है, श्रीनगर की आई है, ठीक है, और 5-6 राज्य की आई हैं, जैसे यहाँ पे उसके बाद मिजोरम की आई थी, ठीक है। यहाँ पे मैं वेबसाइट हमेशा रिफर होती रहती है, इसे एक बार खोल लेते हैं, वेबसाइट खोल के आपको बताते हैं। और सबसे पहले ये बता दें इस समय कौन कौन सा अप्लाई ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एयरफोर्स ग्रुप सी का पोस्ट जो 1524 है ये ऑफलाइन फॉर्म का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये ऑफलाइन फॉर्म पिछले 3 अप्रैल से स्टार्ट है और 2 मई तक इसका लास्ट डेट है। तो जितने भी लड़के लड़कियों ने इसका अभी अप्लाई नहीं किया है, इसे पोस्ट नहीं किया है, कर लें। उसके बाद यूपीएसआई का ऑनलाइन चल रहा है, यहाँ पे 9534 पोस्ट है। इसके भी जब तक जिन लड़कों ने ग्रेजुएशन या जिन लड़कियों ने ग्रेजुएशन पास कर लिया है वो इसे अप्लाई कर लें। और यूपीएसआई इसका भी चल रहा है, ठीक है। और एसएससी जीडी कांस्टेबल का अभी अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है, जो 10th पास वैकेंसी है एसएससी में कम से कम 30-40 हज़ार, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इतने के आसपास पोस्ट है। ये 10th पास वैकेंसी है जिसके अंतर्गत कई सारे पोस्ट है, ये अभी अप्लाई स्टार्ट इसका ऑनलाइन नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुई है कहीं 15-20 दिन पहले की, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो यहाँ पे कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसकी अभी नई नोटिफिकेशन नहीं आई है, जो 12th पास पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, ठीक है। जब तक ये पुरानी वाली क्लियर नहीं हो जाती, हो सके तो नई वाली का ऑनलाइन स्टार्ट ना हो, और अगर होता है तो सबसे पहले हम आपको अपडेट कर देंगे। उसके लिए सिंपली आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो वीडियो के नीचे चैनल के सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, प्रेस कर दीजिएगा, सारी अपडेट हम दे देंगे। चलते हैं बीएसएफ पे चलेंगे, उसके बाद नेवी पे चलेंगे। बीएसएफ की यहाँ पे नई नोटिफिकेशन कोई जारी फिलहाल में नहीं हुई है। रीड द नोटिफिकेशन ऑफ टीवी बीएसएफ 2008, ये जो पुराना है ना उसी का नोटिफिकेशन ये सब चल रहा है, और 2020 का ये वाला, ठीक है, जिसका भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है वही शॉर्टलिस्टेड होना बाकी है, उन्हीं का अभी चल रहा है, ठीक है। यहां पे भर्तियों में अभी कोई नोटिस बोर्ड यहां जारी नहीं हुआ है बीएसएफ की तरफ से, और आयोजन भी अभी कोई नहीं बना है। तो इधर से अगर कोई भी भर्ती आती है तो हम आपको सबसे पहले बता देंगे। और बीएसएफ की ऑफिशियल साइट होती है bsf.gov.in, अगर बीएसएफ की सारी जानकारी आपको ऑफिशियली लेनी है तो इसी साइट पर विजिट कीजिएगा, अदर साइट पर मत जाइएगा। अगर उत्तर प्रदेश की भर्ती देखते हैं राज्य सरकार की, तो आप लोग को सीधे uppbp.gov.in पे जाना है। उत्तर प्रदेश पुलिस की सारी रिक्वायरमेंट की भर्तियां इसी पे मिलती रहती हैं, ठीक है। चलिए ऑफिशियली नेवी की साइट पे चलते हैं, नेवी की साइट पे चल के आपको बता देते हैं। अगर नेवी की वैकेंसी देखते हैं तो यहाँ पे नेवी वाई सर्च करेंगे सीधे गूगल पे, वहां पे नेवी की आपको साइट ऑफिशियल आ जाएगी। उसके बाद उसमें एंटर करेंगे, देखिए ज्वाइन इंडियन नेवी, ठीक है, इसी तरह होती है ज्वाइन इंडियन आर्मी। यहाँ पे नेवी की साइट पे हम आ चुके हैं, और नेवी की साइट जब भी 10th पास या यहाँ पे जो पोस्ट आती है इसमें अपडेट हो जाती है, ठीक है, और यहीं से आप लोग को रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करना था। अक्सर ये पोस्ट कब दिखते हैं, आप लोग अगर इस पर रजिस्ट्रेशन करते हो, अपना पेज लॉग इन करते हो, उसके बाद उसमें अप्लाई का ऑप्शन दे देता है, नहीं तो आपको अदर न्यूज पेपर आर्टिकल से एस एस सी ये नेवी की
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। या यूट्यूब चैनल द्वारा अगर आप जुड़े हो तो वहां से भी आप लोग को जानकारी मिल जाती है, या यहां से इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे अक्सर आप लोग को क्रिएट करना रहता है, या यहाँ पे जैसे ये आ गया, आप किस राज्य से हैं वो सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। मान लो हम उत्तर प्रदेश से हैं तो ये सेलेक्ट करके कैप्चर कोड डालेंगे तो आगे के यहाँ पे जो प्रोसेस है खुल जाता है, आप लोग को सब कुछ मेन्यू में दिखा दिया जाता है, ठीक है। और इसकी नोटिफिकेशन जब आती है तो यहाँ पे चलती रहती है, और काइंडली अपडेट के लिए नंबर भी डायल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें नोटिफिकेशन कॉन्टैक्ट, इसे डीपली स्टडी करेंगे तो आप लोग को सारी जानकारी इसमें और करंट इवेंट वगैरह न्यू इंस्ट्रक्शन जो भी जुड़ता है सब कुछ इसमें पता लग जाता है, ठीक है। इसी तरह 5-6 डिफेंस की ऑफिशियल साइट होती है, joinindianarmy.nic.in, और उसके बाद इंडियन नेवी वाली है, सेम उसी तरह है, ठीक है। उसके बाद और पुलिस की है, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ रिजल्ट वगैरह पे आती रहती है साइट पे, ठीक है, यूपीएसआई की, और अभी यूपी आंगनबाड़ी की हो गई, चाहिए एसएससी जीडी की होगी, ठीक है, यूपीएसआई ऑनलाइन फॉर्म हो गया, ठीक है, या फायरमैन, इसरो फायरमैन का हो गया, ठीक है। ये सारी इस पे अपडेट हो जाती है, और कुछ जो ऑफलाइन भर्ती होती है ना वो ऑफलाइन साइटों पे आती है, ठीक है। कुछ ऑफलाइन, ये जैसे ऑफलाइन भर्ती थी, एक ऑफलाइन आई है, ठीक है। कुछ ऐसी साइटें होती हैं जो ऑफलाइन भर्ती दिखाती हैं जो सभी लड़कों को पता नहीं चल पाता है, और कुछ ऑनलाइन भर्ती होती हैं जिनको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया जाता है। यहाँ तक सभी डिफेंस की जॉब की जानकारी आपको मिल गई होगी। एसएससी जीडी का स्टार्ट होने वाला है, पुलिस कॉन्स्टेबल का भी स्टार्ट होने वाला है, और साथ ही साथ और वैकेंसियां आपको आएंगी तो सबसे पहले हम अपडेट कर देंगे। उसके लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, फटाक से जुड़ जाइए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर से मिलेंगे अगली जानकारी में, ठीक है।